तुफैल बिन अमर दोसी मक्का शरीफ आए तजारत के लिए, पहले भी आया करते थे। कहते हैं मैं बेहतरीन शायर था, मक्के आया, सामान बेचता था, कुछ ख़रीद के ले जाता था। अबू जाल मुझे कहने लगा तू हमारा दोस्त है, पुराना सज्जन है, तेरा आना जाना है और तुझे यहाँ इस शहर में चूँकि तू हमारा मेहमान है तो हर बात से आगाह करना हमारा जिम्मेदारी है। यहाँ एक शख्स है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत करते हैं और माज़अल्लाह शायर हैं, जादूगर हैं, उनकी तूने बात नहीं सुननी। कहता मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने चंद हफ्ते ठहरना है, माल बेचना है, कुछ ख़रीदना चले जाना है, मुझे क्या ज़रूरत है। कहा अच्छा मैं नहीं सुनूंगा बात। कहता मुझे नज़र आए कई दफ़ा हुजूर, और जहाँ हुजूर होते थे मैं करीब ही नहीं जाता था। कहते एक दिन ना हरम शरीफ में सादे से कपड़े और पाँव में सोने जूते और सर पे यूं इमामा के जैसे फरिश्ते भी झुक झुक के ज़्यारत करते हैं। कहते हैं कि नूर भरे कैफियात हुजूर तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ ला के रसूल कायनात अलैहिस्सलाम हरम काबा के साथ टेक लगा के बैठ गए। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। हुजूर तशरीफ़ फरमा हुए, कुरान पाक पढ़ने लगे। मैं जब हुजूर के करीब से गुज़रता था तो कानों में रुई दे के गुज़रता था, पर तुफैल कहते हैं आज ना थोड़ी सी आवाज़ मेरे कानों में गई, कुरान पढ़ा महबूब ने। और वैसे भी क्या कमाल होगा जब यासीन वाले नबी ख़ुद यासीन पढ़ते हों, जब ताहा वाले नबी अपनी ज़ुबान से ताहा की तिलावत करते, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा जिनके बारे में आया जब वो तिलावत करते हों, अलम नशरह लका सदरक जिनके सीने की तारीफ अल्लाह ने की, जब वो इनकी आयत इन आयतों की तिलावत करते होंगे तो क्या शान होगी। जिनको रब कहे वाला सऊफ़ युती का रब्बू का फतरदा, हबीब तुझे इतना दूंगा कि तू राज़ी हो जाएगा। तो जब हुजूर ख़ुद ये आयतें पढ़ते होंगे तो अंदाज़ क्या होता होगा। कहते वो थोड़ी आयतें सुनी पर कुर्बान जाए मेरा तो कुछ दिल ही बदल गया। मैं बड़ा बेहतरीन शायर था, लफ्ज़ों के तराशे मुझे खूब आते थे, अल्फाज के बामोदर से मैं आगाह था, अच्छा अदब मैं जानता था, पर मैंने कहा ये कलाम ये अंदाज लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतहु ख़ाशियम मुतसद्दियम मिन ख़शियतिल्लाह, ये अंदाज पत्थरों पहाड़ों पे जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। कहते हैं थोड़ा सा पढ़ा करीब ने और फिर नज़रें झुकाए हुए हुजूर अपने घर गए, सरकार चले तो मैं पीछे पीछे, हुजूर घर में चले गए तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए सलाम ली, मैंने कहा महबूबा वो जो आप पढ़ रहे थे थोड़ा और नहीं सुना देते, थोड़ा और नहीं तिलावत कर देते। कहते हैं रसूल पाक ने ना फिर कुरान पढ़ना शुरू किया, मैं कभी बैठता था कभी उठता था। जब हुजूर ने तिलावत मुकम्मल की तो मैंने आगे बढ़ के यदुल्ला वाला हाथ थामा और दस्ते मुबारक पकड़ के कहा सोनिया ये मुझे कहते थे ना सुनना, मैंने ज़माना देखा है, मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं सरदार हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मुझे कसम है जो आपकी ज़ुबान से निकल रहा है वो बशर का कलाम नहीं, आप मुझे कलमा पढ़ाए मैं मुसलमान होना चाहता हूँ।